वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बछबारस और बछबारस की पूजा हम लोग वैसे तो बाहर जाके किया करते थे गाय के बाड़े में, लेकिन आजकल 2-3 साल से हम घर पे ही करते हैं, क्योंकि जागृति को भी जाना होता है और शिप्रा भी जाया करती थी पहले, अभी आज मतलब टांग में वो हो गया है फ्रैक्चर, इसलिए तो घर पे ही कर रहे हैं पूजा हम लोग। तो थोड़ी सी पूजा कर रहे हैं, देखिए आप। जागृति ने सूट पहन रखा है क्योंकि जानना है उसको भी, नहीं तो हम साड़ी वाड़ी पहन के करते हैं पूजा। शिप्रा भी थोड़ी सी तैयार हो रही है। ले आऊंगी मैं, नहीं तो मैं ले आऊंगी, तू क्यों परेशान हो बार बार। तो मैं अपने घर आ गई थी और यहाँ पे मैंने कपड़े धोए, 3-4 दिन के मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा आज टाइम है, पूजा वूजा हो गई थी तो मैं यहाँ आके एक बार मैंने कपड़े वपड़े धो लिए, घर की थोड़ी सफाई की, एमी को खाना वगैरह दिया। इतने में ही टाइम हो गया क्योंकि दोनों घर जाती आती हूँ तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है कोई पता ही नहीं लगता है दिन का, और नहीं तो अभी काफ़ी मुझे टाइम मिलने लगा था, लेकिन अब फिर वही दो घरों की दिक्कत हो गई तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है, इधर आती हूँ उधर जाती हूँ, इसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आई थी और मैंने कपड़े धोए, मेरे कपड़े इकट्ठे हुए थे बहुत यहाँ पर, तो अभी यह था कि स्कूल गया हुआ था, शिप्रा को सब काम कर दिया था मैंने, उसने भी नहा ली थी कर ली थी सब उसका संभाल के, और फिर यहाँ आ गई थी तो कपड़े धोए, एमी को खाना दिया क्योंकि ये आई नहीं अभी तक, तो एमी भी भूखी रहती है इतनी देर, तो फिर एमी को भी खाना खिलाया। 1 बज गई है, दोपहर की 1 बज गई है, इसको भी मैंने खाना वाना दिया, मुझे इसकी चिंता लगी रहती है, सांस फूल गया। तो बस ये काम किया है, वापस शिप्रा के पास जाऊंगी, अकेली है वो, 5 मिनट रेस्ट करूंगी मैं खुद यहाँ पर और फिर जाऊंगी। ये दूसरे दिन की सुबह मैं यहाँ अपने घर आ गई थी तो जागृति ने मुझे नाश्ता दे दिया था, अब वापस शिप्रा घर आ गई और यहाँ पे चाय वाय बना रही हूँ। थोड़ी सी अत्थक की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको छुट्टी दिलाई, तो बस यहाँ इन लोगों को चाय वापस बनाऊंगी, अपनी भी चाय बनाऊंगी वापस, और बाकी के सारे बहुत सारे काम पड़े हैं आज, तो बहुत सारा काम करना है, कल वहाँ कपड़े धोए थे आज यहाँ पे धोने है, और वो कल की वीडियो थी थोड़ी बहुत, और अभी बना रही हूँ मैं चाय शिप्रा के घर में। यहाँ भी थोड़ी किचन अस्त व्यस्त हो रही है तो उसको साथ का साथ साफ कर दूंगी, चाय बनाते बनाते इसको भी साफ कर दूंगी, वैसे रात को सब काम करके सोती हूँ जिससे मुझे सुबह कोई दिक्कत ना हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी वैसे जैसे अस्त व्यस्त हो जाती है, बर्तन वगैरह धो के एक बार रख देती हूँ, उनको जमाती नहीं हूँ तो फिर थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जाती है, तो इसको भी मैं कर दूँगी क्योंकि मुझे खुद को भी पसंद नहीं है अस्त व्यस्त कोई भी चीज़, तो सारी मैं सेट कर देती हूँ, इसकी किचन सेट कर देती हूँ, सारा घर सेट कर देती हूँ, पूरा दिन इसके एक घर में लगी रहती हूँ, और एक मतलब बीमार आदमी होता है या कोई तकलीफ़ होती है इंसान की तो वो तो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसका एक्स्ट्रा काम होता है तो वो भी हमें ही करना पड़ता है, यदि इंसान खुद उठा हुआ रहे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साथ में यदि काम करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब एक इंसान बीमार हो जाता है या कोई तकलीफ़ उसको हो जाती है तो फिर बाकी के सारे काम ही देखने पड़ते हैं, तो छोटे मोटे बहुत से काम मुझे यहाँ दिखते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ, पूरा दिन मेरा निकल जाता है,
कभी मुझे किचन गंदी लगती है तो किचन को साफ कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ में ही है, उसका हाथ तो लग रहा ही नहीं है। 4-5 दिन होने को आए हैं और वो बेचारी बहुत परेशान होती है, पड़ी पड़ी भी परेशान होती है, कहती है मेरे काम बिना मन नहीं लगता मम्मी। तो मैं बोलती हूँ कि चल तेरे को रेस्ट दिया है भगवान ने, तो बोलती है इस तरह क्या रेस्ट दिया है भगवान ने। तो मैंने कहा भगवान ने रेस्ट दिया है कि अब तू थोड़ा रेस्ट करे, इसलिए ये सब हुआ। तो मेरी चाय बस बन रही है और इन दोनों को चाय दूंगी मैं और नाश्ता दूंगी। जागृति ने आज पराठे दे दिए थे उधर से ही, तो उसने बोला कि क्योंकि मेरे पैर में भी थोड़ी सी मोच आ गई, इधर उधर जाते जाते मोच आ गई पैर में, तो फिर जागृति को बड़ी परेशानी हुई। उसने बोला मम्मी दो घरों का काम हो रहा है आपके, तो मैं ही बना देती हूँ। मैंने ही उसको बोला था कि अपन दो घर में बांट लेते हैं काम को, जिससे क्या है कि जागृति के ऊपर भी काम ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि वो भी जाती है, सुबह ही निकलना होता है उसको 8:30, तो फिर वहाँ जाके मैं सफाई वगैरह कर ही आती हूँ। और उससे बोल रखा है मैंने कि तू 3 जनों का खाना अपना बना लिया कर और बाकी हाँ 3 जनों का मैं बना लूँगी, तो काम बट जाएगा, नहीं तो एक साथ एक जने पर काम पड़ जाएगा। इसलिए मैं तो यहाँ शिप्रा की देखभाल भी करती रहूँगी तो काम भी करती रहूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बस ऐसे कर रखा है। लेकिन आज क्या है कि जागृति ने बोला आपके मोच आ रही है तो मैं आपका खाना भी बना के जाती हूँ, तो खाना आप खा लेना, बाकी और भी काम होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर है, उसकी सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, अथक के भी कपड़े, मतलब ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस है और ये सब, वो प्रेस करनी, वो सभी अब मेरे ऊपर आ गया सारा काम। तो फिर जागृति को भी चिंता होती है मेरी कि आपके ऊपर सारा काम आ गया है। तो बस इन दोनों को मैंने नाश्ता दिया। शिप्रा आज लेट ही उठी है, रात को नींद नहीं आई, दर्द ज़्यादा था उसके पाँव में तो उसको नींद नहीं आ रही थी रात को, और कल दिन भर भी उसको तकलीफ रही, तो अभी थोड़ी सी लेट उठी है। 8:30 के ऊपर वक्त हो रहा है, ये सुबह के 8:30 हो चुके हैं। मैंने बोला सोती रहे, जब रात को नहीं सो पाई तो थोड़ी लेट उठी, दोनों ही लेट उठे, अथक की भी तबीयत ख़राब थी तो ये भी लेट उठा दोनों को। उनका तुम लोग नाश्ता करो, मैं नाश्ता कर आई थी अपने घर, तो यहाँ पे केवल मैंने चाय ली थी। अब मैं यहाँ की सफाई वगैरह कर रही हूँ, सफाई से पहले मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रहे थे 2 दिन से इनके, तो फिर मैंने सफाई की, कपड़े धोए, बाथरूम साफ़ किया, वो भी थोड़ा गंदा और सूखा रखना पड़ता है क्योंकि शिप्रा और गिर सकती है इसमें, इसलिए मैं क्या है बाथरूम को बिल्कुल सूखा रखती हूँ और घर को बिल्कुल कहीं भी पानी के छींटे नहीं रहने देती, जिससे कोई फिसले। नया घर बना हुआ है, नई फर्श है, तो डर लगा रहता है कि कहीं पानी का छींटा हुआ तो कोई गिर जाएगा, तो मैं इसको पूरा सूखा सूखा रखती हूँ, पोछा लगा। तो शिप्रा के सारे घर की सफाई कर दी है मैंने, उसको ये नहीं महसूस हो कि उसका कोई काम नहीं हो रहा है, तो सब बाथरूम वगैरह धोए, अभी उसके मैंने कपड़े सारे धो के सुखा के आई हूँ, सफाई सारी कर दी। आज जागृति खाना बना गई थी तो मैंने दूसरे काम कर लिए, तो उसको ये महसूस नहीं हो कि मेरा घर गंदा पड़ा है या मेरे कपड़े पड़े हैं या कुछ, तो मैं सारा काम उसका कर देती हूँ, अपने घर का भी करके आती हूँ। सुबह जल्दी जाके उधर करके आई, सफाई वगैरह उधर करके आ गई, कपड़े वगैरह कल धो लिए थे उधर के मैंने, आज शिप्रा के सारे धो दिए कपड़े, तो उसको ये महसूस नहीं हो कि मेरा घर गंदा पड़ा है या मेरे कपड़े पड़े नहीं। उसको मैं बैठे बस खिलाती पिलाती रहती हूँ, दवाई दे देती हूँ और उससे कहती हूँ कोई टेंशन मत कर किसी भी चीज़ का, ना पैसे का, उसे बड़ा टेंशन हो रहा है कि मेरी तनख्वाह चली जाएगी इसमें, उसको मैंने बोला मैं बैठी हूँ ना। तो जब इंसान को ये कह देता है कि हाँ मैं ना, तो फिर एक शांति हो जाती है मन को। तो मैं हूँ जब तक उसका भाई भाभी है, उसके पापा हैं, हम लोग उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, बस ये सोच रखा है हमने। हाँ शरीर है तो शरीर में कोई जो दिक्कतें आ जाती हैं वो तो भगवान की जो भी मर्जी है उससे होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से उसको कोई भी परेशानी नहीं आने देते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं कोई रेसिपी वगैरह नहीं दे पाऊँगी आपको, जब तक ये खड़ी नहीं हो जाती है मेरे ब्लॉग ऐसे ही आएंगे, तो जैसा भी लगे आपको ब्लॉग देखते रहिए, कंटिन्यू रखिए देखना।